नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दरअसल योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर दौरे पर थे और शुक्रवार को यहाँ उन्होंने भीनमाल के नीलखंड बता दे कि महादेव मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं और हम यदि राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है और उनका फिर से पुनर्निर्माण भी होता है। अयोध्या में 500 साल बाद भी राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। अगर धर्म स्थलों पर अपवित्र किया गया है तो उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में 500 वर्ष बाद मोदी जी के प्रयास का भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम आज पूरा होने जा रहा है। आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और मुझे बहुत प्रशंसा है कि राम लल्ला अगले एक वर्ष में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वही झारखंड में धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में बीती रात आग लगने से दो डॉक्टर सहित बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है। इस बड़े हादसे में डॉक्टर दंपति विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा की मौत हुई है। घटना से संबंध बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दूसरे मंजिल में आग लगी थी और धीरे धीरे इसने अस्पताल को पहली मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। जिस अस्पताल में दूसरे हिस्से में लोग प्रभावित हुए हैं, घटना के समय ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। आग बुझाने के लिए बाथरूम के टब और पानी का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कमरे के अंदर इतना धुआं था कि जान बचाना भी मुश्किल हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली तो दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल के कर्मचारियों ने अस्पताल के दोनों ओर से कुल 9 लोगों को बचाकर निकाला। इन सभी को पास से ही पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज झांसी के शिक्षक खंड MLC प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के जन समर्थन में शिक्षकों के संबोधन करते हुए जालौन के उड़ई पहुंचे थे और जहां उन्होंने शिक्षकों के BJP प्रत्याशी के मत देने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि सपा शिक्षक और साथ ही सनातन MLC के 5 सीटों की जीत हासिल करेंगे और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि कोई भी शिक्षक सपा प्रत्याशी के वोट नहीं करेगा क्योंकि गुंडागर्दी दंगा करने वालों जमीन पर कब्जा करने वाले पार्टी में शिक्षित लोग दूर रहना चाहते हैं। वहीं सपा के डूबते हुए जहाज है और सपा और अखिलेश ने 2022 में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हार हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा खत्म हो जाएगी और BJP 80 से 80 सीटों में अपनी जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी तो 400 सीटें विधानसभा में जीत रही थी। उनके कहने में और उनके परिणाम में अंतर होता है। शिक्षक गुर्जर हैं, बुद्धिजीवी हैं। कोई बुद्धिजीवी समाजवादी पार्टी की गुंडई, समाजवादी पार्टी की अराजकता, समाजवादी पार्टी का दंगा, समाजवादी पार्टी के जमीनों पर कब्जा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। इसलिए समाजवादी पार्टी का मान लीजिए कि वो डूबता हुआ जहाज है, उसका अंत एकदम जनता ने करने का ठान लिया है। जो बची खुची ताकत थी वो 2022 में थोड़ी बहुत दिखाए थे, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तब उनको यह भी पता चल जाएगा कि जनता गुंडई को नहीं स्वीकार करती, या तो वो अपना चरित्र और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे तो सदन में रहेंगे नहीं, कांग्रेस की तरह वह भी विलुप्त हो जाएंगे। मुलायम सिंह को भारत रत्न की बराबर मांग चल रही है सर। देखिए वो बहुत, मैं क्या कहूँ, नादान किस्म के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामभक्त मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया शुक्ल बाजार के पूरे रामदीन गांव पहुंचे हैं और इस दौरान विहिन के कार्यकर्ता अवधेश मिश्रा के घर उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। वहीं रात्रि के समय उन्होंने विश्राम भी किया और इस दौरान मुसाफिर खाना में गांधी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित एक जनसभा के कार्यक्रम में भी हिस्सा भी लेंगे।
डॉक्टर साहब, आपके इस विशेष कार्यक्रम की क्या सोच है? लखनऊ से जौनपुर जाते समय आज अमेठी के शुक्ल बाजार में अवधेश जी के साथ रहना और सबको मिलना हुआ। भगवान की कृपा से भगवान राम जी का तो अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, पर अब हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों लोगों को अच्छा घर मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को फसल के दाम मिले जी। तो जैसे राम मंदिर के लिए गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाया, लोगों ने सिर्फ अपने गौरव के लिए राम मंदिर के लिए समय दिया, पैसे दिया, बलिदान दिया, अब लोगों को जगा रहे हैं। सभी लोगों को अच्छा घर मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को। और बता दें आपको कि प्रवीण तोगड़िया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जनसभा कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। और बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया शुक्ल बाजार के पूरे रामदीन गांव पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। अवधेश मिश्रा के घर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और इस दौरान बता दें कि ये कहा जा रहा है कि आज वे तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। वही बता दें कि पुलिस कर्मियों द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता को लेकर बाइक रैली निकाली गई है हाथरस में। इस दौरान एसपी हाथरस और साथ ही एआरटीओ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जागरूकता बाइक रैली के दौरान पुलिस कर्मियों ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने का संदेश दिया गया। वहीं जिले में कई थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मी बाइक रैली में शामिल हुए। बता दें कि कोतवाली हाथरस गेट के क्षेत्र के अलीगल इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी से रैली निकाली गई है। मौके पर एएसपी हाथरस और सीओ सिटी और कई कोतवाली प्रभारी मौजूद रहे हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद में एक शख्स ने अपने ही बड़े भाई और भतीजे एवं भतीजियों के पुत्रों की मारपीट कर जबरन जमीन कब्जाने के आरोप लगाते हुए थाना जहानाबाद पुलिस को तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने तफ्तीश कर रही है। दरअसल थाना जहानाबाद इलाके में मोहल्ला काजी टोला कस्बा जहानाबाद में रहने वाले रामचरण लाल का कहना है कि उनकी जमीन पर उनके सगे भाई दबंग दाताराम कब्जा करना चाहते हैं। वही आज जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रेत डलवा रहे थे, जिनका विरोध करते हुए दबंग दाताराम, उनका पुत्र प्रमोद कुमार और साथ ही प्रमोद कुमार के दो बेटे किशन और करण मौके पर आ गए और इस दौरान गाली गलौज और झगड़ा करते हुए आमदा हो गए और इस दौरान जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद से पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मामला ये है कि जो हमारे बड़े भाई हैं, वह बहुत 420 किस्म के आदमी हैं, बहुत फ्राडी आदमी हैं। कई बार हमारे साथ हमारे छोटे भाई साथ फ्रॉड कर चुके हैं, तो इन्हें हमारा प्रबली समझाता हो गया था किशनलाल एमएलए के यहाँ पे, अगर तुम अपनी जगह पर काबिज रहो हम अपनी जगह पर काबिज रहे हैं और कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, मुकदमा खारिज हो जाएंगे। अब समझौता कर लेगा, हम सीधे साधे आदमी इनकी बात मान के भैया समझ के इनके पैर छूते रहे, इनकी दावत करते रहे, सब खाना खिलाते रहे घर पर। इनने हमारी पीठ में शराब होकर 4-6 महीने बाद अकेले कोर्ट में जाके और हमें मना कर दिया कोर्ट में जाना, अकेले कोर्ट में जाके एक पक्षीय फैसला कोर्ट से करवा लिया, काफ़ी पैसा दे दवा के। अब क्या हुआ? अब ये हो गया, जो फैसला कोर्ट से लेके आए हैं तो ये कह रहे हैं जमीन हमारी होगी, हमारे बना हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, हम जैसे कब्जा करेंगे। तो थाने से हमारे पास बस सर्किल इंचार्ज आए, तो हमने उनसे कहा साहब ये तो हमारी जगह कैसे हो गया, बोले एस पी के यहाँ से आदेश आया है कि इस पर कब्जा दिलवाओ दाताराम को। फिर तो एस पी का आदेश आया कब्जा दिलवाओ दाताराम, तो हमने साहब कब्जा कैसे दिलवाया, तो हम तो कोर्ट से आदेश ला रहे हैं अपना, हमने फाइल को दोबारा खुलवाइए और दोबारा मुकदमा चालू करेंगे, एक पक्षीय फैसला कर दिया आपने। तो हमने कोर्ट से दोबारा फाइल खुलवाई और जो हमारे पास सर जो वो हैं कोर्ट के, तो विवाद कौन सी जमीन का ये पीछे विवाद जो हमारा साहब वो पूरी बाउंड्री चमक रही वो वाली वो सब हमारी है, और जो कच्ची खतल उनकी बड़े भाई की है। कागज हैं आपके पास? हाँ, इसके सबके कागज हैं हमारे पास, और हमारा पिताजी का बनामा है, हमारा बसीतनामा भी है हमारे नाम इसका। पीछे जो टावर है,
यूपी कासगंज जनपद में प्रेम विवाद में परिजनों द्वारा बांधा डालने पर प्रेम युगल के विषाक्त पदार्थों का सेवन किया गया है और इस दौरान दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर किया गया। दोनों की गंभीर हालत बनी हुई है। दोनों प्रेम युगल एक गांव के रहने वाले हैं। प्रेम युगल सोड़ो कोतवाली क्षेत्र के गंगागढ़ के रहने वाले विदेश यादव और उनकी प्रेमिका मुस्कान, जो कि मुस्लिम समुदाय की है। दोनों का प्यार वर्षों पुराना है। मुस्कान के चक्कर में विदेश जेल में ही भी जा चुका है, लेकिन मुस्कान और विदेश एक दूसरे को जिंदगी भर साथ देने की कसम खा चुके थे, लेकिन इन दोनों ने प्रेमी युगल के परिवारजनों ने ये बात मंजूर नहीं थी, जिसके बाद से प्रेम विवाह में बाधा बन रहे थे। वे गुरुवार को ही देर शाम दोनों ने घर से लापता हो गए, लेकिन दोनों ने विषाक्त का सेवन कर लिया और इस दौरान गंभीर हालत पहले बनी हुई है। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और चिकित्सकों ने जिला अस्पताल उन्हें भेज दिया है। थाना सोरो जनपद कासगंज स्थित गांव गंगागढ़ से एक सूचना प्राप्त हुई कि नवयुवक जोड़े ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है। सूचना प्राप्ति के बाद हमारे प्रभारी निरीक्षक सोरो साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा वहाँ का भ्रमण किया गया, जाँच की गई और ये दोनों लोगों को अलीगढ़ बेहतर उपचार के लिए वहां पर रेफर किया गया है, जहां परिजनों के साथ ये उपचाराधीन है। जानकारी यह मिली कि पूर्व में भी इनकी शिकायत थी, शिकायत के बाद एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें पुलिस के द्वारा यथोचित वैधानिक कार्रवाई की गई थी। सर, दो एक लड़का एक लड़की आए थे भोजन खाए हुए, क्या मामला था पूरा? ये दो पेशेंट थे हमारे पास जो सूरो से रेफर होके आए हुए और संबंधित सस्पेक्ट पॉइजनिंग के लग रहे हैं, जिसका हमने प्राथमिक उपचार करने के बाद इन दोनों को अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। क्या क्या नाम है दोनों? हाँ, एक है विजय सिंह, दूसरी एक है मुस्कान। क्या उम्र है? हाँ, 20 साल लड़की की उम्र है और लड़की की 18 साल। क्या सर, दोनों एक ही गाँव के? हाँ, दोनों गंगागढ़ के रहने वाले। और बता दें कि कासगंज का यह पूरा मामला है जहाँ पर प्रेमी युगलों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और जिसके वजह से दोनों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और इस दौरान बता दें आपको कि प्रेम विवाह में परिजनों द्वारा बाधा डालने की वजह से इन्होंने जहरीला पदार्थ का सेवन किया है। दोनों की हालत काफ़ी गंभीर है, जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। और बता दें कि दोनों प्रेमी युगल एक ही गाँव के रहने वाले हैं और साथ ही उनका ये कहना था कि वे शादी करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार वालों ने साथ नहीं देने के कारण दोनों को जहर खाना पड़ा, जिसकी वजह से हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है दोनों की। चलिए अब खबर झांसी से है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और इस दौरान पटाखा फैक्ट्री के मालिक नागरा निवासी बता रहे हैं कि पुलिस ने मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वही थाना प्रेम नगर अंतर्गत बिजौनी चौकी क्षेत्र का ग्राउंड सेयर का ये पूरा मामला है, जहां करीब 2 से 3 बजे अचानक धमाका हुआ, जिसमें ग्राम में खलबली सी मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तो पटाखा फैक्ट्री के परखच्चे उड़े हुए थे और बिखरे पड़े सामान को धुआं निकल रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा बिजौनी चौकी पुलिस को दी गई और सूचना पाकर मौके पर चौकी पुलिस और थाना प्रभारी सहित पुलिस आला अधिकारी पहुंचे और फायर ब्रिगेड ने आग को काबू कर लिया। फिलहाल कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन मौके पर फैक्ट्री के निकट बने मकानों में भी धमाके से दरारें आ गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के कार्य कर रहे लोग ग्राम में एक मिट्टी में जाने की वजह से ये धमाका हुआ है। थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत आग लगने की सूचना है, क्या है मामला सर? झांसी जनपद के थाना प्रेम नगर में सैयर गांव में एक लाइसेंसी पटाखा की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में दोपहर करीब 2:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया। उसमें न इस घटना में कोई भी व्यक्ति न तो घायल हुआ है, न ही किसी की मृत्यु।
बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाने क्षेत्र के ओरछी चौराहे में जहां पर तैनात राहुल दिवाकर सिपाही पर रुपए मांगने पर कई दुकानों पर तांडव मचाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सिपाही सहित अन्य दो लोगों ने सामान के रुपए मांगे थे और रुपए ना देने पर दुकानदारों ने साथ जमकर मारपीट की गई, सामान की भी तोड़फोड़ की गई है। दुकानदारों के मुताबिक राहुल सिपाही आटा की चक्की पर आया था और इस दौरान आटा देने के बाद रुपए मांगे गए थे, तो रुपए मांगने ही सिपाही बौखला गया और इस दौरान दुकानदारों के साथ जमकर मारपीट की गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।